तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा के 22 सीटों पर प्रत्याशी लगभग घोषित हो गए। इसको देखते हुए सीएम शिवराज ने सभाएं शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची विधानसभा के मेहगांव में जनसभा ली और जनसंपर्क भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन चुका था। विधायक और मंत्रियों से मिलने के लिए कमलनाथ के पास समय ही नहीं था। इसी बात से नाराज विधायक और मंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मंत्री पद छोड़कर बहुत बड़ा त्याग किया है। सभा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल झूठे हैं। गांव-गांव में शराब की उपदुकानें खोले जाने के विरोध में दिए गए उनके बयान को काट छाट कर ट्वीट किया, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव के लिए ग्वालियर पूर्व और आगरमालवा सीट के लिए बनाए गए समन्वयक और पदाधिकारियों की बैठक ली। ग्वालियर सीट के समन्वयक पीसी शर्मा, ग्वालियर पूर्व के तरुण भनोट और आगरमालवा सीट के जयवर्धन सिंह ने पूरी रिपोर्ट कमलनाथ के सामने रखी। बैठक में यह भी बात सामने आई कि भाजपा के 22 सीटों पर प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं और उनके द्वारा प्रचार प्रसार का काम शुरू हो गया। ऐसे में कांग्रेस को भी चाहिए कि वो जल्द प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करे ताकि उन्हें भी जनता के बीच जाने का पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि 24 सीटों पर सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट में जिसका नाम आएगा पार्टी उसे ही प्रत्याशी बनाएगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, लाखन सिंह यादव और फूल सिंह बरेया भी बैठक में मौजूद थे।